दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में जेबीटी के पदों पर नियुक्त नहीं होंगे बीएड, बैच वाइज भर्ती में नियुक्त बीएड की जाएगी नौकरी। जो हिमाचल में अब जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी के पदों पर बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड नियुक्त नहीं होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी टीचर लंबी लड़ाई जीत गए हैं। वह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ अपना फैसला सुनाया, जिसमें एनसीटीई द्वारा 2018 में जारी किए गए निर्देशों को भी खारिज कर दिया गया है। वह दरअसल सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला राजस्थान से गया था। बता दें कि हिमाचल सरकार ने भी इसमें अपना हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में भी सरकार ने जेबीटी टीचर्स का ही पक्ष लिया था, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के कारण बैच वाइज भर्ती में बीएड पास अभ्यर्थियों को ले लिया गया था। हालांकि इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इन टीचर्स को नौकरी से हटाना होगा। सचिवालय पहुंची ओल्ड पेंशन की फाइल सर्विस कमेटी को लेकर तय होगी आगे की रूपरेखा। जिराज बिजली बोर्ड कर्मचारी द्वारा पूरे प्रदेश में गत गुरुवार को किए गए प्रदर्शन के अगले दिन ओल्ड पेंशन की फाइल बिजली बोर्ड मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंच गई है। इसे बोर्ड के नए चेयरमैन राजीव शर्मा को भेजा गया है। वह बता दें कि वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करते हुए इस बार बिजली बोर्ड ने सारे आंकड़े इस फाइल में दर्ज किए हैं। इससे पहले भी एक बार ओल्ड पेंशन की फाइल राज्य सचिवालय भेजी गई थी और यह काफी लंबे समय तक वित्त विभाग में पड़ी रही। वह बाद में वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर इसे वापस कर दिया था। इसमें कहा गया था कि बिजली बोर्ड ने ओल्ड पेंशन की सही कैलकुलेशन और प्रोटेक्शन करके नहीं दिए। वे अब बिजली बोर्ड ने मांगी गई सारी जानकारी इस फाइल में दर्ज की है। बता दें कि बोर्ड के पास वर्तमान में 5700 कर्मचारी ओल्ड पेंशन के तहत है, जबकि 6500 कर्मचारी एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को दिए 7 दिन ओपीएस बहाली को बिजली बोर्ड कर्मचारी ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। जब बिजली बोर्ड कर्मचारी ने राज्य सरकार और बोर्ड प्रबंधन को ओल्ड पेंशन पर फैसला लेने को एक सप्ताह की मोहलत और दे दी है। वह प्रदेश भर में बिजली स्तर पर 17 अगस्त से बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदर्शन का आगाज करेंगे। वह प्रदर्शन की यह शुरुआत कांगड़ा से होगी। हालांकि बोर्ड कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मोर्चा ने यह भी साफ किया है कि राज्य सरकार 17 तारीख से पहले तक ओल्ड पेंशन समेत सभी 8 मामलों पर फैसला लेती है तो इस आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। इससे पूर्व गुरुवार को बिजली बोर्ड कर्मचारी ने प्रदेश भर बड़े पैमाने पर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। वह बता दें कि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड में अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई है। जेओए लाइब्रेरी भर्ती नियमों के लिए अभी इंतजार, शिक्षा व कार्य विभाग की बैठक में होंगे तय। जे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन यानी कि जेओए लाइब्रेरी भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस पद में भर्ती के लिए अभी तक भर्ती नियम नहीं बन पाए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि जेओए पद के भर्ती नियमों पर कार्मिक विभाग के साथ होने वाली अगली बैठक में फैसला होगा। हालांकि अभी विभाग ने अगली बैठक की तिथि तय नहीं की है। वह बीते दिनों में विभाग की इस विषय को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें नियमों को बनाने पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब अगली बैठक में ही नियम तय हो पाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 3 वर्षों से जो आरएनडीपी भर्ती नियम नहीं बन पाए हैं, इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। स्टूडेंट लोक मित्र केंद्र में भी करवा सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, 20 अगस्त तक पूरा करें प्रोसेस। जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थी आसपास के मान्यता प्राप्त लोक मित्र केंद्र में आधार ऑथेंटिकेशन को कर सकते हैं। वह उच्च शिक्षा निदेशालय ने 10 जिलों के निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को यह प्रक्रिया तय तिथि तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि संस्थान समय पर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तो विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप रोकने के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त तक 10 जिलों के विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अभियान को चलाया जाएगा। खाली सीटों के लिए विशेष स्पॉट एडमिशन राउंड 16-17 जाने पूरी डिटेल। जे तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि विभाग के अंतर्गत चल रहे राजकीय एवं निजी बहुतेक्निकी संस्थान तथा एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बद्दी में सत्र 2023-24 के लिए प्रथम वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पेट में खाली बची सीटों में प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर विशेष स्पॉट राउंड 17 अगस्त को और द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एलईटी में खाली बची सीटों में प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर विशेष स्पॉट राउंड 16 अगस्त को करवाया जा रहा है। रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु संस्थान स्तर पर व्यक्तिगत रूप से पहुंचना सुनिश्चित करें। वहीं अभ्यर्थियों से संस्थान स्तर पर पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु उनके आवेदन फॉर्म दैनिक आधार पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिए जाएंगे, तत्पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नाबार्ड में 128 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट मंजूर, प्रदेश भर में 13 सड़कें के साथ 3 पुलों का भी होगा निर्माण। जे बरसात के नुकसान से जूझ रहे हिमाचल के लिए बड़ी खबर है। वह नाबार्ड ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। बता दें कि पीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के माध्यम से 16 प्रोजेक्ट के लिए 128 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। इस धनराशि से 13 सड़कें और 3 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। हालांकि यह बजट राज्य सरकार को ऋण के माध्यम से मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार को 10% हिस्सा ही लौटाना होगा। इस बजट से ग्रामीण क्षेत्र में बरसात से बर्बाद हुई सड़कों की मरम्मत हो पाएगी। वह बता दें कि सबसे ज्यादा आधा
दर्जन सड़कें कांगड़ा में मंजूर हुई है। इनमें इंदौरा क्षेत्र में 2, पालमपुर, जयसिंहपुर, नगरोटा, बागमा और पंचरुखी में 1-1 सड़क को बजट मिला है। इसके अलावा सोलन में 3, मंडी के सरकाघाट में 2, चंबा के ककीरा और सिरमौर के नाहन में 1-1 सड़क को मंजूरी मिली है। स्पीति में चीन बॉर्डर पर बनेगी हवाई पट्टी, रंगरिक एयर स्ट्रिप के लिए दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे सुक्कू। हिमाचल की स्पीति घाटी में चीन के बॉर्डर पर भारत सरकार हवाई पट्टी का निर्माण करेगी। वहीं राज्य सरकार की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्पीति घाटी के रंगरिक में एयर स्ट्रिप बनाने की संभावनाओं को देखने के लिए हिमाचल आएगी। बता दें कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू 3 अगस्त 2023 को दिल्ली दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। वहीं बॉर्डर एरिया में टेक्चर बढ़ाने की केंद्र सरकार की पॉलिसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे 2 मामले उठाए थे। एक तो स्पीति घाटी के रंगरिक में हवाई पट्टी बनाने की मांग की और दूसरा किन्नौर जिला के पवारी स्थित आयुध डिपो को शिफ्ट करने का आग्रह किया। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को बताया था कि स्पीति घाटी के रंगरिक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी का निर्माण बेहद जरूरी है। यह स्थान उत्तरी सीमा से 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है और स्पीति घाटी के लिए नेशनल हाईवे 505 के अलावा अन्य कोई संपर्क साधन नहीं है। मंडी के सुंदरनगर में सड़क धंसने से HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 यात्री हुए घायल। जी हां, शनिवार सुबह मंडी जिले में सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण शिमला जा रही सुंदरनगर इकाई की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हिमाचल सड़क परिवहन निगम के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 8 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। वहीं और घायलों यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि बीते दिन से हिमाचल में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। वहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं। रात भर की बारिश के बाद पानी में डूबी भला घाटी, नेशनल हाईवे समेत सैकड़ों मार्ग बंद। जब मंडी जिले में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर 6 मील तथा 9 मील के पास मालवा पत्थर तथा चट्टाने गिरने के कारण रास्ता पूरी तरह बंद है। वहीं 6 मील में शुक्रवार को देर शाम ऑल्टो कार पर पत्थर गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, वह परिवार वाले गंभीर घायल हैं। इसी के चलते नेशनल हाईवे रात से ही बंद पड़ा हुआ है। शिमला कालका मार्ग हल्के वाहनों के लिए खुला, 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद, जानिए आपदा प्रभावित हिमाचल का हाल। जब मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के कारण हमने अब तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया है। वह जान माल का नुकसान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बरसात के मौसम में 234 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं नेगी ने कहा कि 900 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7500 पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान भारी बारिश की चेतावनी। जब मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वह मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में भूस्खलन और बाढ़ आने की शंका जताई है। वह भारी बारिश का असर सड़क, पेयजल और बिजली योजनाओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वह बता दें कि मौसम विभाग ने इन जिलों में विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा कालका, शिमला और कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर भी एहतियात के साथ यात्रा करने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। वहीं इन दोनों नेशनल हाईवे में कई जगह भूस्खलन होने की आशंका है। मनी महेश यात्रियों को मिली हर सुविधा, DC चंबा अपूर्व देगन ने अधिकारियों संग पैदल डल पहुंच जांची व्यवस्था। जे उपायुक्त अपूर्व देगन ने उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मनी महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वयं हड़सर से डल झील तक स्थानीय प्रशासन के साथ पैदल यात्रा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव, अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर, SDM भरमौर कुलवीर सिंह राणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी ईशांत जसवाल सहित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि उपायुक्त ने यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर लगाए जाने वाले लंगरों, ठहरने के स्थानों, पेयजल व विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक शौचालय व मार्गों सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ट्रांसपोर्ट यूनियन तय नहीं कर सकती है किराया, हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, उद्योगों को मिली बड़ी राहत। जब BBN क्षेत्र में परिवहन व्यवसाय के कार्टेलाइजेशन के संबंध में दायर याचिका का माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया है कि निजी उत्तरदाताओं को वाहनों के संचालन या माल ढुलाई शुल्क के निर्धारण का अधिकार नहीं है। वह अदालत ने सोलन, बद्दी और बिलासपुर के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि ट्रक यूनियनों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के वाहनों की मुक्त आवाजाही में कोई अनुचित बाधा उत्पन्न न की जाए। वहीं बता दें कि BBN इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और महासचिव ठाकुर यशवंत सिंह गुलेरिया ने बताया कि माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि तत्काल निर्णय में निहित निर्देशों का भी कोई उल्लंघन अदालत की अवमानना होगा। चलिए वो चलते हैं आज का आखिरी खबर। हिमाचल पर फिर टूट पड़ा अंबर, भूस्खलन से भारी तबाही, कुल्लू मनाली जाने वाले सभी मार्ग बंद। तो हिमाचल पर एक बार फिर अंबर कहर बनकर टूट पड़ा है। वह जगह जगह भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ से कई सड़कें बंद हो गई है। बता दें कि मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर 6 मील तथा 9 मील के पास मालवा पत्थर तथा चट्टान गिरने से हाईवे बंद हो गया है। वह 6 मील में देर शाम ऑल्टो कार पर पत्थर गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हुई है, वह परिवार वाले गंभीर घायल है। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में
में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।